नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में सफलता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और सफलता को प्राप्त करने के लिए हमेशा अपनी कोशिशें करते ही रहते हैं। चाहे वह लड़का हो, लड़की हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, वह अपनी कोशिशें इसलिए करते रहते हैं ताकि उन्हें आगे जाके कोई ना कोई सफलता मिले। और हमने अक्सर देखा भी है, हमारे माता पिता भी यही कहते हैं कि आप जब तक अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करोगे या फिर पूर्ण तरीके से नहीं करोगे तो आपको सफलता कैसे मिल सकती है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आपको मेहनत करनी ही होगी। मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ईमानदारी से यदि आप मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा जल्दी ही आपको मिल जाता है। लेकिन आप ईमानदारी से कार्य कर भी रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं। यदि आप पुराणों के अनुसार देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे उपाय हैं, आप यदि उन उपायों को करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की आराधना करना सबसे मान्यवर माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले और सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपनी उम्मीदें पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान विष्णु सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, उनकी पूजन कीजिए और भगवान विष्णु को अपना आध्य मानिए। तो उससे आप यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आप भगवान विष्णु की अनुकंपा जरूर पा सकते हैं। कि आप एकादशी के व्रत की सही विधि और सही पूजन करने का तरीका पता होना चाहिए। यदि आप सही तरीके से विधि के अनुसार पूजा करते हैं तो उससे आपका एकादशी व्रत भी पूरा हो जाएगा और आप जिस चीज की सफलता के लिए एकादशी व्रत कर रहे हैं वह भी आपका कार्य पूरा हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत रखना तो उसके लिए आप अपने घर के आसपास और अपने माहौल को ठीक कीजिए। आपके घर में मांस या फिर शराब का कोई भी सेवन नहीं कर सकता है। एकादशी व्रत में ये खास माना जाता है और एकादशी व्रत सबसे खास भी होता है सफलता प्राप्त करने के लिए। यदि आप चाहते हैं अपनी सफलता को प्राप्त करना तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है गंगा नदी। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। चाहे आप कितना भी कूड़ा करकट डालें, आपने अक्सर देखा है कि लोग उसमें कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं, लेकिन अब तो पाबंदी लगा रखी है। गंगा नदी को साफ करना सबसे ज़्यादा आपके ही हाथों में होता है। यदि आप गंगा नदी को साफ रखना चाहते हैं, उसके पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप गंगा नदी को हमेशा जैसा है वैसा ही देखें यानी कि पवित्र देखें, तो उसके लिए आप शुरुआत अपनी तरफ से करें। अगर आप शुरुआत खुद करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। यदि आप गंगा नदी की पूजा करते हैं और उसका कोई अपमान नहीं करते हैं तो वह आपकी सफलता में आपकी और हाथ बढ़ाता है। तो यह है आपकी सफलता के सबसे अच्छे तरीके होते हैं यदि आप शुरुआत अपनी तरफ से करते हैं। सिर्फ एक गौ माता की ही पूजा कर सकते हैं। यदि आप सभी देवी देवताओं की अनुकंपा चाहते हैं और अपने काम को सफल करना चाहते हैं तो आप गाय की पूजा कर सकते हैं और प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनाना बिल्कुल ना भूलें। अपने घर में रोटी बनाने से पहले आप गौ माता के लिए एक रोटी बनाएं, उसे गुड़ के साथ खिलाएं। ऐसा करने से आपके कार्य जरूर सफल होंगे। तो ये है वह उपाय, यदि आप करते हैं तो आपके कार्य सफल हो जाते हैं या फिर आपको जिस कार्य में सफलता चाहिए वह भी आपको जल्दी ही मिल जाती है। तो यह उपाय जरूर अपनाएं और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।